Hey, so students of 9th standard, this lecture is for you. आज जो हम लोग डील करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 8 मोशन के चैप्टर से. एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे, काफ़ी ऐसे पॉइंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे. मैं हाईलाइट कराऊंगा, वो भी आपको अंडरलाइन करके कहीं पे लिख देना पड़ेगा. सो वी स्टार्ट विद द चैप्टर मोशन. ओके, तो मोशन समझाने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दो पोजीशन पे हो सकता है या दो स्टेट पे हो सकता है. हम लोग पोजीशन नहीं कह सकते, लेकिन दो स्टेट पे हो सकता है. पहला तो होता है इट कैन बी इन द स्टेट ऑफ द रेस्ट. रेस्ट का मतलब ये होता है कि वो अपने पोजीशन से हिलता नहीं है, दैट इज द स्टेट ऑफ द रेस्ट. और दूसरा जो होता है दैट इज द स्टेट ऑफ द मोशन, यानी उसकी जो पोजीशन है वो बदलती रहती है, तो हम लोग उसको बोलेंगे मोशन. तो दो ऑब्जेक्ट जो है वो दो चीज पे हो सकते हैं, या फिर वो रेस्ट पे हो सकता है या फिर वो मोशन पे हो सकता है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट? तो रेस्ट की यहाँ पे मैं डेफिनेशन आपको बोल रहा हूँ, हो सके तो लिख लीजिएगा. रेस्ट का मतलब ये होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड टू बी एट द रेस्ट. देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट द रेस्ट. ओके, when an object does not change the position with respect to time, then the object is said to be at the rest. यानी object तब क्या होगा? Rest पे होगा. Okay? और दूसरा जो है motion का, तो उसका भी definition मैं बोल देता हूँ, हो सके तो लिख लीजिएगा. When an object changes the position with respect to time, when an object changes the position with respect to time, then it is said to be in motion. Then the object is said to be in motion. Friends, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर टाइम के हिसाब से ऑब्जेक्ट एक ने एक जगह पे है, मतलब एक सेकंड पे वही जगह पे है, दूसरे सेकंड में भी वही जगह पे है, तीसरे सेकंड में भी वही जगह पे है, तो कहने का मतलब क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है. वो मूवमेंट नहीं कर रहा है मतलब उसका मोशन नहीं है. अगर दूसरी दूसरी चीज में हम लोग बात करें, मोशन कब बोलेंगे हम लोग, तो एक सेकंड में ऑब्जेक्ट यहां पे है, दूसरे सेकंड में कहीं और चला जाता है, तीसरे सेकंड में कहीं और चला जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है. तो दो चीज हो गई यहां पे, ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन और ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट. सो व्हेन कैन वी से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज सेड टू बी इन मोशन. एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. ओके, सो वी स्टार्ट विद द टॉपिक. क्या लिया हुआ है हम लोग अंडरलाइन करते जाएंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इन एवरी डे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट एंड अदर्स इन द मोशन. लाइफ में हम लोग एवरी डे लाइफ यानी रूटीन लाइफ में हम लोग कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट को मोशन में देखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे भी देखते हैं. बर्ड्स फ्लाई, फिश स्विम, ब्लड फ्लोज थ्रू द वेन्स एंड आर्टरीज, एंड कार्स मूव. एटम्स, मॉलिक्यूल, प्लैनेट, स्टार्स एंड गैलेक्सी आर ऑल इन द मोशन. वी ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजिशन चेंजेस विद द टाइम. तो जब उसका पोजिशन टाइम के हिसाब से आपने लिख लिया होगा, तो इतना ज्यादा हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन में नहीं देखेंगे. हाउएवर देयर आर द सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फर्ड टू अ इनडायरेक्ट एविडेंसेस. फॉर एग्जांपल, वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड द मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. व्हाट कॉजेस द फिनोमेना ऑफ द सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग ऑफ द सीजन? इज इट ड्यू टू द मोशन ऑफ द अर्थ? इफ इट इज ट्रू, व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ? तो यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे हुए हैं कि सनसेट और सनराइज ये किसके कारण होता है? क्या सन जो हिलता है, सन जो है मूवमेंट करता है, ओके, या अर्थ का मोशन होता है? दो क्वेश्चन होने चाहिए, या फिर सन मूव करना होना चाहिए या फिर अर्थ मूव करना होना चाहिए. यू नो द आंसर, सन इज नॉट मूविंग फ्रॉम द पोजिशन, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. सो इसलिए हमको सनसेट और सन राइज हम लोग फेस करते हैं. ओके, एंड अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं. एन ऑब्जेक्ट मे बी अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर. फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस, द रोड साइड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड्स. ओके, कोई पर्सन जो है वो उसमें जा रहा है, बस में जा रहा है, सो यू कैन सी द ऑब्जेक्ट दैट इट इज मूविंग बैकवर्ड. हालांकि उसको क्या दिखता है, जैसे कि मैं अगर गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग इन अ कार, आई एम सिटिंग इन अ बस और आई एम सिटिंग इन अ कार, देन व्हाट कैन आई सी? कि अगर एक ट्री है जो जो मेरे को दिखा, अब वो क्या करेगा? मूवमेंट, इट विल मूव. अगर मेरी गाड़ी आगे जा रही है तो द ऑब्जेक्ट विल मूव बैकवर्ड, बट एक्चुअली इट इज नॉट मूविंग, एक्चुअली इट इज फर्म. द ट्री वॉज फर्म और द ऑब्जेक्ट वॉज फर्म. वॉट वॉज एक्चुअली मूविंग? दैट द कार वॉज मूविंग और द बस वॉज मूविंग. या कार या बस जो है वो मूवमेंट कर रहे थे. ओके,
ऑब्जेक्ट जो है वो जो ट्री जो था वो मूवमेंट नहीं कर रहा था, द बस वॉज मूविंग, द कार वॉज मूविंग. ओके, सो इस तरह से हम लोग आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं. सो मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स, तो मोशन को समझना कॉम्प्लेक्स है. अब आप बोलोगे कि सर ट्री पीछे गया, मैं बोलूंगा नहीं मेरी कार आगे गई, तो ये मोशन जो है वो समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज होती है. सम ऑब्जेक्ट में कॉज इन द स्ट्रेट लाइन, अदर्स में टेक अ सर्कुलर पाथ. तो कुछ कुछ जो है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट करते हैं, और कुछ कुछ ऑब्जेक्ट को मूवमेंट जो होता है वो सर्कुलर पाथ में करते हैं. सम में रोटेट व्हाइल अदर कैन वाइब्रेट, कुछ रोटेट करते हैं कुछ वाइब्रेट करते हैं. देयर मे बी अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग द कंबाइनिंग ऑफ दिस. इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग विद द स्ट्रेट लाइन. वी शैल ऑल्सो लर्न टू एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू अ सिंपल इक्वेशन एंड ग्राफ, एंड लेटर वी शैल डिस्कस द डिस्क्राइबिंग द सर्कुलर मोशन. तो ये चैप्टर में हम लोग इतना पढ़ने वाले हैं, मोशन क्या होता है, मोशन के रिलेटेड कौन से क्वांटिटीज होते हैं, एंड साथ ही साथ हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशंस किस तरह से बनेंगे, कोई भी मोशन का इक्वेशन किस तरह से बनेगा, ये चीज की भी हम लोग बात करने वाले हैं. सो 8.1 टॉपिक पे आ जाते हैं. लेट्स कम टू टॉपिक 8.1, दैट इज डिस्क्राइबिंग द मोशन. वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस पॉइंट. यस, सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स. सो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, अगर मुझे उसको डिस्क्राइब करना है कि वो मोशन में है या फिर स्टेशनरी है या फिर रुका हुआ है, तो सबसे कीमती चीज जो होती है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, वो उसके बारे में जो मुझे मेंशन करना होता है, दैट इज द रेफरेंस पॉइंट. ओके, मुझे वो पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट, कि मैं कहां से उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं कहां से उसको रिफर कर रहा हूं, दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल. लेट अस अज्यूम दैट अ स्कूल इन अ विलेज, एक स्कूल है जो विलेज में है, विच इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन. We have specified the position of the school with respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. तो जब मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे रेलवे स्टेशन से स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर आई हुई है, 2 किलोमीटर नॉर्थ में आप ट्रैवल करोगे, तो आपको 2 किलोमीटर बाद नॉर्थ में आप जाओगे रेलवे स्टेशन से, तो 2 किलोमीटर बाद आपको आपकी स्कूल दिखाई देगी. तो आप यहाँ पे सोच सकते हो कि 2 किलोमीटर यहाँ पे क्या हुआ, तो 2 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से स्कूल का डिस्टेंस हुआ. कहने का मतलब यहां पे रेफरेंस पॉइंट या फिर यहां पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरा क्या था, दैट वाज द रेलवे स्टेशन, दैट वाज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वाज द रेलवे स्टेशन, क्योंकि रेलवे स्टेशन से मैंने स्कूल का ऑब्जर्वेशन किया. ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि रेफरेंस पॉइंट या फिर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द मेन थिंग कि हमको वो समझना चाहिए. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकंड टॉपिक, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ द मोशन इज द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो फ्रेंड्स, आपको अलग अलग टाइप के मोशन ये चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर में हम लोग सीखेंगे. एक तो आपको पता चल गया है स्ट्रेट लाइन का मोशन, एक होता है सर्कुलर पाथ का मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन, एक होता है वाइब्रेशनल मोशन, यानी वाइब्रेट करने को वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं, रोटेट करने को रोटेशनल मोशन कहते हैं. स्ट्रेट लाइन का मोशन अलग होता है, सर्कुलर मोशन अलग होता है, अलग अलग टाइप के मोशन आते हैं. लेकिन उसमें से सबसे ईजी, सबसे कह सकते हैं सिंपल जो है वो कौन सा है, इट इज द मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन. We shall first learn to describe this by an example. Consider the motion of an object along with a straight path. The object starts its journey from point O, which is treated as a reference point. हम लोग क्या करेंगे? The object starts its journey. Object जो है वो अपनी journey चालू कर रहा है. यहाँ पे आप देख सकते हैं. Okay, यहाँ पे object जो है अपनी journey चालू करता है point O से. And is treated as a reference point. यानी ये जो object है, इसको हम लोग क्या treat कर लेते हैं? Let it be reference point. ये एक reference point है. Okay, let A, B, C represent the position of an object at different instant. At first, the object moves through C and B and reaches A. यानी object जो है वो पहले C पे गया, okay? Then वो object B पे आया, and then वो object कहाँ पे आया? A पे आया, okay? Then it moves back along the same path and reaches C through B. और बाद में जो object है वो C से A पे पहुँच गया था, बाद में वो कहाँ पे आता है? वो object जो है वो C पे आता है, okay? तो ये clear हो गया होगा आपको. ओके, सो अब आप आगे बात करते हैं. द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, अगर आप बात करो कि टोटल पाथ उसने कितना ट्रैवल किया, कितना कवर किया, ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले तो वो ओ से कहाँ पे गया, इट मूव्स टुवर्ड्स ए, ओ से ए पे गया. अब ओ से ए पे जाने के लिए कितने किलोमीटर दिख रहे हैं आपको? 60 किलोमीटर. सो 60 किलोमीटर, एंड देन वो ए से कहाँ पे आया? पॉइंट सी पे आया. सो ए से सी मतलब 60 में से 25 अगर आप माइनस करोगे तो आपको 35 मिलेगा, मतलब टोटल डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया है दैट इज 95 किलोमीटर. ओके, कितना ट्रैवल किया उसने? 95 किलोमीटर. एंड दिस डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
This distance covered by an object, to describe the distance, we need to specify only the numerical value and not the direction of an object. There are certain quantities which are described by specifying only the numerical value. The numerical value of the physical quantity is its magnitude. From this example, can you find out the distance of the final position C of the object while the initial position is O? This difference will give you the numerical value of the displacement of the object of O to C through A. The shortest distance measured from the initial to final position is called displacement. तो यहाँ पे एक तो आपको पता चल गया है distance, एक हो गई definition distance. Distance की definition में आप ये लिख सकते हो, ये आपको दिख रहा है the total path length covered by an object. The total path length covered by an object is called distance. ये आपकी पहली definition हुई. आपको कहीं पे लिखना है तो लिख लीजिए the total path length covered by an object is called the distance. The total path length covered by an object is called distance. And दूसरी definition में हम लोगों ने क्या देखा, the shortest distance measured from the initial position and final position. यहाँ पे initial का मतलब क्या, तो initial का मतलब होता है starting point. Final position का मतलब क्या, तो ending point. तो object का starting point क्या था आपको बताइए, object का starting point था O and object का ending point क्या था C. And O और C के बीच में कितना distance है, 25 किलोमीटर का distance है. कहने का मतलब यह हो गया कि भले ही ऑब्जेक्ट ने 95 किलोमीटर ट्रैवल किया होगा, ओके ना नहीं है वो चीज को, ऑब्जेक्ट मे हैव ट्रैवल्ड 95 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस, बट ऑब्जेक्ट ने एंड ऑफ द डे, ओके एंड ऑफ द डे ऑब्जेक्ट कितना मूव किया, तो इनिशियल से वो फाइनल पोजीशन पे आया. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस जो है वो खाली और खाली 25 किलोमीटर है. सो डिस्टेंस की वैल्यू भले ही 95 किलोमीटर है, बट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएगी, डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 25 किलोमीटर. एंड दैट इज ऑल एक्सप्लेन इन दिस पार्ट. ओके, एक और चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि हम लोगों का जो डिस्टेंस है, ओके द डिस्टेंस इज ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज, याद रखना ये, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू. डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा कि अगर ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल किया हुआ है तो हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा. जबकि डिस्प्लेसमेंट की अगर हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी पॉजिटिव वैल्यू, इट कैन बी जीरो, और इट कैन बी नेगेटिव वैल्यू ऑल्सो. सो ये कहीं पे लिख लीजिए, मैं चाहता हूं आप लिख लीजिए ये चीज, ये जो मैं इंपॉर्टेंट नोट बोल रहा हूं, डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू. डिस्टेंस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू व्हाइल द डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, और इट कैन बी जीरो टू. ये आप लिख लीजिएगा. नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ जाते हैं, that is we are talking about uniform and non-uniform motion. Okay, यहाँ पे कुछ example देके बात की हुई है, लेकिन मैं आपको एक simple example दूंगा, आपको समझ में भी आ जाएगा. Okay, uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion मतलब क्या, तो ऐसा motion जहाँ पे equal interval of time पे जब equal distance travel करने में आता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, uniform motion. Okay, यानी when an object travels the equal distance in equal interval of time, that motion is called the uniform motion. And दूसरा क्या है, non-uniform motion. Non-uniform motion मतलब क्या, तो when an object does not travel, उसका उल्टा कर दो just, uniform का आप opposite कर दो तो वो non-uniform हो जाएगा. तो uniform motion में मैंने क्या बोला, लिखना है तो लिख लीजिएगा, when an object travels the equal distance in equal interval of time, that is called the uniform motion. दूसरा जो है वो मैं लिखाने जा रहा हूं, when an object does not travel the equal distance in equal interval of time, then the object is said to be a non-uniform motion. तो आपको क्लियर हो ही गया होगा uniform motion and non-uniform motion में difference क्या है. Uniform motion मतलब क्या, मान लो कि object ने पहले घंटे में 5 किलोमीटर travel किया, दूसरे घंटे में 5 किलोमीटर travel किया, तीसरे घंटे में भी 5 किलोमीटर travel किया. मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक इंटरवल ऑफ टाइम में उसने 5-5 किलोमीटर ट्रैवल किया, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल किया है. तो ऐसे टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म, मतलब कांस्टेंट. यूनिफॉर्म का इंग्लिश में अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखोगे ना, तो दैट इज उसमें लिखा होगा कांस्टेंट, वर्ड यूज किया होगा कांस्टेंट, मतलब सेम, यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. और जब सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जब वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाता तब हम लोग उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो ये भी मैंने आपको बता दिया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. ओके, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे बात करें,